तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि डॉबरमैन, बॉक्सर, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, इनमें से कौन सा अच्छा गार्ड डॉग है, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा जल्दी बीमार पड़ता है, प्राइस क्या रहेगी, ग्रूमिंग का खर्चा कैसा आता है, डॉग का मेंटेनेंस का खर्चा कौन सा है, आपके लिए जो अच्छा बोल सकते हैं गार्ड डॉग, आपका गार्ड डॉग के पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो तो इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए सही है कि नहीं है, सेकेंड टाइम ओनर के लिए, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। तो गाइस प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर से करना। तो गाइस इसमें इस वीडियो में मुझे एक कमेंट जरूर से आएगा कि लैब्राडोर को इसमें क्यों शामिल नहीं किया। तो सबसे पहले बता दूं लैब्राडोर एक वॉच डॉग की कैटेगरी में आता है, वो एज अ गार्ड डॉग की तरह नहीं रह सकता है, एज अ गार्ड डॉग के जो काम होते हैं वो इतना अच्छे से नहीं करता, वो फ्रेंडली फैमिली और एज अ वॉच डॉग की तरह बेस्ट होता है। तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा वॉच डॉग की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रूमिंग में किसका ज़्यादा खर्चा आता है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो आता है वो जर्मन शेफर्ड का आता है, क्योंकि उनके बाल, उनके हेयर, उनको मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। फिर आता है जो है रॉटवाइलर का, रॉटवाइलर के बाल भी छोटे छोटे होते हैं बट उनको भी मेंटेन रखने में आपको खर्चा थोड़ा बहुत आ सकता है। बॉक्सर का सबसे ज़्यादा कम आता है क्योंकि बॉक्सर के बाल होते काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं और जल्दी से शाइन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और सबसे कम खर्चा आता है वो है डॉबरमैन का, डॉबरमैन इजी टू मेंटेन है और उनका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उनका बाल भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डॉग ब्रीड को एज आप घर में फैमिली मेंबर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो भी आप इन डॉग ब्रीड को रख सकते हो, एज आपका अगर आपको किसी जॉब पे जा रहे हो, आपकी ड्यूटी पे आपको चाहिए तो चारों डॉग में से आप कोई भी डॉग रख सकते हो। अगर आपका फार्म हाउस है, गांव में आपको कोई घर है वहाँ पे आपको एक सुरक्षा के लिए चाहिए, किसी की सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो आप इन चारों में से कोई भी डॉग ब्रीड ले सकते हो, चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस अगर आप लेने जा रहे हो तो इनका प्राइस तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस कौन सा है, आपके बजट में कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस होता है वो जर्मन शेफर्ड का होता है, जर्मन शेफर्ड आपको 12,000 से 22,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी का, किस क्वालिटी का ले रहे हो, डबल कोट ले रहे हो, सिंगल कोट ले रहे हो, तो उससे 12,000, 15,000, 14,000 का भी मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 18,000, 19,000 तक भी जा सकता है। फीमेल का प्राइस हमेशा 2,000 से 3,000 कम रहेगा। दूसरा जो आता है वो है रॉटवाइलर, रॉटवाइलर का प्राइस भी आपको 15,000 से स्टार्ट होकर 20,000 तक भी जाता है, वो भी डिपेंड करता है क्वालिटी पे, कैसी बॉडी है, कैसे उनके पंजे हैं, कैसे मसल है, कैसा फेस है, उसके ऊपर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो है डॉबरमैन, डॉबरमैन का प्राइस आपको 14,000 से 19,000 तक आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इजी टू अवेलेबल मिल जाए, कहीं पे मिल जाएंगे। और जो बॉक्सर का प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा कभी कभार फ्लेक्सिबल हो जाता है, कभी कभार वो जल्दी से आपको मिल जाते हैं, उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और कभी कभार अचानक से बढ़ जाता है, तो उनका प्राइस जो होता है 15,000 से चालू होकर 22,000, 25,000 भी जा सकता है। और चारों डॉग ब्रीड का अगर इंपोर्ट कराते हो, बाहर से लाते हो, विद पेपर लेते हो, तो इनका प्राइस 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में भी जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग की, क्यों कौन अच्छे से जल्दी ट्रेन हो जाता है और अच्छा गार्ड डॉग है। तो आपको बता दूं चारों के चारों जो डॉग ब्रीड होते हैं बचपन से ही आपको इनके ब्लड ग्रुप में एज अ गार्ड डॉग की तरह आप इसे बोल सकते हैं, इसलिए इन डॉग ब्रीड को गार्ड डॉग की कैटेगरी में डाला है। अगर आप डॉबरमैन को देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे से गार्ड करते हैं, इनको ज़्यादा ट्रेनिंग की नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत उनको सिखा देते हो, अच्छे से केयर करते हो, सोशलाइज करते हो और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग उसको देते हो तो वो भी जल्दी से सीख लेते हैं। जर्मन शेफर्ड और जो रॉटवाइलर है वो तो आपको पता है कि जैसे कि मिलिट्री आर्मी में काफ़ी ज़्यादा इन लोग को रखते हैं, और बॉक्सर को भी एयरपोर्ट में और पुलिस में रखते हैं। देखने जाए तो चारों के चारों डॉग ब्रीड आपको पुलिस में, आर्मी में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। इनके अंदर ब्लड में इनके जो है गार्डिंग पर्पस के लिए इनको रखा जाता है, इसलिए आप इनको आराम से रख सकते हो और अच्छे से ट्रेन अगर आप करोगे, थोड़ा बहुत एफर्ट आपकी तरफ से लगाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डॉग ब्रीड ये बन जाएंगे। अब बात करते हैं इनके खाने के ऊपर कौन सा ज़्यादा डॉग ब्रीड का खर्चा आएगा। तो चारों के चारों डॉग के ऊपर आपको खर्चा आएगा, चाहे जर्मन शेफर्ड ले रहे हो, उनके बॉडी के ऊपर, उनके बालों के ऊपर आपको खर्चा ज़रूर से आएगा, बॉक्सर लोगे तो उनके हेल्थ के ऊपर और उनके खाने के ऊपर आपको खर्चा आएगा, रॉटवाइलर के बॉडी के ऊपर, उनके खाने के ऊपर खर्चा आ ही जाता है, डॉबरमैन को थोड़ा बहुत खर्चा आपको कम आ सकता है क्योंकि उनके हेल्थ बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्लिम होती है, बट उनकी केयर करने में आपको थोड़ा बहुत जो खर्चा आ सकता है, इसलिए ये 19-20 का खर्चा है। अगर आपको ये माइनर नहीं रखता तो आप कोई भी डॉग ब्रीड ले सकते हो। अब बात करते हैं हम 2 BHK के हिसाब से या फिर घर के हिसाब से कौन सा डॉग ब्रीड सही रहेगा। तो चारों डॉग को आपको वॉकिंग पे ज़रूर से ले जाना है, घुमाने ज़रूर से ले जाना है। अगर आप एक ही जगह पे रखते हो तो ये आपके डॉग के लिए सही नहीं है, डॉग के लिए भी सही नहीं है। तो इनको ज़रूर से वॉक और सुबह शाम आपको ज़रूर से इसको 1 घंटा एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक तो आपको उसको ज़रूर से कराना है। तो 2 BHK हाउस में जैसे जर्मन शेफर्ड रह सकते, डॉबरमैन रह सकते और रॉटवाइलर और बॉक्सर के लिए अगर 3 BHK हो या फिर छोटा नीचे का घर बैकयार्ड हो तो उनके लिए रहेगा।
चारों डॉग ब्रिड जो है सेकेंड टाइम डॉग ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फर्स्ट टाइम के लिए आपको डॉबरमैन, बॉक्सर या जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। अगर आप रोटवाइलर लेते तो रोटवाइलर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बट उसको सोशलाइज और ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में आपको ज़रूर से रखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप इनको एज अ फ्रेंडली डॉग की तरह रखना चाहते हो तो उसके लिए आप जर्मन शेफर्ड रख सकते हो, बॉक्सर रख सकते हो, ये एज अ फ्रेंडली डॉग की तरह भी रह सकते हैं। तो गाइस, इन चारों डॉग के ऊपर आपको अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, सोशलाइज करना पड़ेगा, इनको डिवॉर्मिंग अच्छे से अच्छे करनी पड़ेगी, आपको वैक्सीनेशन जरूर से करना पड़ेगा हर साल, ताकि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहे, आपकी सुरक्षा करे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर डॉग बना रहे। तो गाइस, अगर आपको कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आती तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। और इन सारे डॉग के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के रखिए, डाइट प्लान, कैसे केयर करें, क्या क्या ट्रेन कर सके, सबके ऊपर वीडियो है, क्या प्राइस है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिल जाए। तो आशा करता हूँ आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।